न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, दरअसल यहां पर ग्राम पंचायत भोरजे से ये खबर सामने आई, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय कैलाश सोनी उर्फ बाबूजी, तेंदुखेड़ा विधायक माननीय विश्वनाथ सिंह पटेल उर्फ मुलायम भैया और भाजपा बुद्धिजीवी प्राकोष्ठ के जिला सह संयोजक राकेश प्रताप सिंह पटेल रीछा, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये ग्राम पंचायत भोजिर से सांसद निधि से नव निर्मित राम जानकी मंदिर को देखकर मंदिर में यहां पहुंचे और क्या कुछ नया हो सके इसको लेकर उपस्थित सभी ग्रामवासियों से चौपाल के माध्यम से संवाद किया। कैलाश सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 14 अगस्त का दिन विभाजन विभिषका स्मृति दिवस के रूप में हमें भेदभाव वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की ना केवल याद दिलाएगा बल्कि इससे एकता सामाजिक सद्भाव की भावना को भी मजबूत किया जाएगा। तेंदुखेड़ा विधायक विश्वराज सिंह पटेल ने अपनी विधानसभा और ग्राम के विकास को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी, साथ ही सभी ग्रामीणों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद भाजपा बुद्धिजीवी प्राकोष्ठ के जिला सह संयोजक राकेश प्रताप सिंह पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी विजय सिंह, सिहोरा मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह कौरव, युवा समाज सेवी जितेंद्र स्वामी करेली, समाज सेवी शिक्षक सीआर कौरव, पवन सिंह बड़कुर छीतापार, ग्राम पंचायत भोरजे सरपंच आशीष पटेल सहित सभी ग्रामवासी, नौजवान सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। इसके बाद सभा का कुशल संचालन राजकुमार कौरव ने किया और आभार सिहोरा मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह कौरव ने किया। मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्टर रंजीत कौरव के साथ न्यूज़ वॉल इंडिया।